अन्तरिं रमानाथं सर्वरोगनिवारकं आयुर्वेदप्रभवदारं वन्दे पीयूषजायकम्। आदि देव धन्वंतरी की वंदना के पश्चात मैं आज के व्याख्यान में डॉक्टर विष्णु का करती हूँ कि आप हमारे इनविटेशन पर यहाँ तुरंत ही आपने हमें समय दिया और आज हम इस ज्ञान यज्ञ में आपकी आहुति के द्वारा एक विज्ञान से ज्ञान से फिर से परिचित होंगे और लाभान्वित होंगे। मैं आज के स्पीकर का आपके सामने परिचय देना चाहूंगी। आपका MD और PhD आयुर्वेद में काय चिकित्सा विभाग में हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी अंडर द गुवाहाटी यूनिवर्सिटी फ्रॉम आसाम। आपका टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 17 इयर्स है जिसमें आप क्लिनिशियन एकेडमिशियन रिसर्चर और एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव विभिन्न पदों को आपने सुशोभित किया है। सिंस लास्ट 2012 यू आर वर्किंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग मेघालय। इट इज ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहां आपका अभी वर्तमान समय में भी आप कार्यरत है। आपकी 3 बुक्स पब्लिश हुई है जिसमें अलग से भी आपने को ऑथर के रूप में भी कुछ बुक्स में चैप्टर्स वगैरह का भी योगदान किया हुआ है। आपका 14 से ज्यादा रिसर्च जर्नल विविध पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपे हुए हैं। आपने 18 से ज्यादा CME वर्कशॉप एंड सेमिनार्स में आपने भाग लिया हुआ है। काय चिकित्सा की CME ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स में भी आपने 2 में भाग लिया है। रिसर्च प्रोजेक्ट में भी आप एज अ को इन्वेस्टिगेटर 3 प्रोजेक्ट में आप अभी कार्यरत है और एज अ कोलोबरेटर आप 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ द आयु होम AYUHOM आयु होम ए पीयर रिव्यूड जर्नल्स ISSB बाई एनुअल रिसर्च जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी ऑनलाइन एंड प्रिंट दोनों में ये उपलब्ध है जो पब्लिश्ड होता है निया से NEIAH शिलोंग से। यू आर ऑल्सो रिव्यूअर ऑफ द वेरियस पीयर रिव्यूड जर्नल्स एंड यू आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेक्रेटरी इन द इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटी। तो एक छोटा सा मैं आप सबके सामने आज के स्पीकर का एक परिचय रखा है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप अनेक दूसरे सेवा कार्यों में भी जुड़े रहते हैं जिसमें मेडिकल कैंप्स कम्युनिटी को एजुकेट करना आयुर्वेद के सिद्धांत बताना आयुर्वेद के लिए उनको प्रेरित करके प्रमोट करना ये आपके। मैं अभी गई थी वहां तो आपसे मुलाकात हुई तो बहुत सारा परिचय है मगर मैं थोड़ा सा ही परिचय आप सबसे देकर ज्यादा समय ना लेते हुए आज के व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर विष्णु जी चौधरी को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर साहब, हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी थैंकफुल टू हतेल दवे मैडम to start this program and continuing is a long run program 345 lectures today is a great achievement. First of all I congratulate madam for taking this effort to declare Ayurveda as a national system of medicine. We all should come forward and support madam so that we can the ancient system of medicine what is Indian system of medicine we should establish it, not establish, we have to re-establish and we have to make successful so that it can be declared as a national system of medicine so that the people all over the India, every corner can get the benefits of Ayurveda officially. So I welcome, thankful to all the participants who are joining today to listen to me. And I have been given the topic that is IBS and its management through Ayurveda. As you know, nowadays many diseases there and many pathologies also there. Ayurveda, homeopathy, allopathy. So challenges also there. We have many challenges also. So modern science also doing extensive job. We have also some strength. So we should give more attention as government also want to for integration some for specific disease we have to take lead some other disease like accident and emergencies as present situation so modern science is doing excellent job but some maximum maximum diseases is there now prevalent
which cannot be treated by modern science. So finally, people are moving one place to another place for their treatment, and finally they used to come to Ayurveda for better treatment. We have treated many cases of IBS through Ayurvedic medicine only, no need of any help of modern medicines. So, but same patients used to visit many allopathy doctors, and their allopathy doctors are saying, you have to take lifelong medicine. This is not a curable disease, which is not true. We have treated many cases of IBS through Ayurvedic medicine only, and 100% success rate. Whatever we are using in our hospital, in our area, that I will share with you. So madam, hum thoda English mein bolenge to problem nahi na? हाँ जी सर, कोई बात नहीं जी सर. ओके सो स्लाइड इज विजिबल आई थिंक. हाँ जी सर, बिल्कुल वेल विजिबल जी. सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, little description. Let's study first the modern, what modern science is saying. We'll come to Ayurveda part also, as because at present time people used to come with modern knowledge, so we have to know both the knowledges so that patient will be satisfied and we also satisfy by our, or using our own principle. So what is IBS? IBS is a gastrointestinal disorder characterized by altered bowel habit in association with abdominal discomfort or pain in absence of detectable structural and biochemical abnormalities. That means here we are not finding any clue, any detectable structural or biochemical abnormalities. That means if you do any investigation, we will find nothing. So the bowel are at one time constipated, another time lax in the same person, sometimes loose, sometimes hard. Irritable bowel syndrome is a functional bowel disorders. So as I told, there is no clue we are getting. If we are doing test, we are not getting anything. That is a functional disorder in which abdominal pain or discomfort is associated with defecation or a change in bowel habit. Bloating, distension, and disordered defecation are commonly associated features. So this, along with this constipation or loose stool, we are getting patient used to complain. We have bloating, that is dyspepsia, distension. They used to feel fullness of stomach, and like their urgency of defecation, crampy pain will come later on, other symptoms. So what are the etiologies? As per modern science, there is modern science cannot find out till now no specific cause of this disease, but risk factor and aggravating factors are psychological. This anxiety and depression are the one of the commonest cause of IBS, altered gastrointestinal motility, visceral hypersensitivity, post-infection reactivity. That is, few patients develop symptoms of IBS after gastroenteritis. After having diarrhea or food poisoning, people used to develop IBS later on. Brain-gut interaction, alteration in fecal microflora. Nowadays, people are taking randomly antibiotics. So antibiotic can cause destruction of our good bacteria in our flora, that is in intestine. That is one of the cause. Bacterial overgrowth, sometimes overgrowth of bacteria also can lead to IBS. Food sensitivity, some allergic food may be caused like this. Carbohydrate malabsorption and intestinal inflammation all have been implicated in the pathogenesis of IBS. As per modern science, they are identifying these are the factors for causing IBS in their body. So what are the symptoms we are getting? Classical symptoms. Symptoms may range from mild to severe. IBS can start at any age, but most commonly we used to see in the teenage or early adulthood. As because in this time, in this age, people are having different kind of stress in their study type, or they are in service life, or their business life. So what are the common symptoms we are getting in the IBS patients? Abdominal fullness, loss of mucus from the rectum. This patient is to pass mucus with the stool, urgency to pass the stool, abdominal pain, sense of incomplete evacuation, gas and bloating, constipation or diarrhea, or sometimes difficulty in passing stool and passing mucus in the stool. Patient maximum times they used to go to toilet and sitting long time also.
So abdominal pain relieved by defecation. This is one of the symptoms. Like in probiotic also, we are getting like this, or amoebic dysentery. Patient used to feel after defecation, pain subside. More frequent loose stool with onset of pain. Patient reported visible abdominal distension. Patient will say, you see, this my stomach is full or distended. Flatulence or bowel irregularity, as I mentioned. Alternating constipation and diarrhea. That is the main symptoms. Fatigue. Finally, if this all symptoms is there, patient will develop fatigue and weakness. And few cases we used to see weight loss. So types, you come to types. There is mainly we divided into three types. First is constipation predominant, diarrhea predominant, and number three is mix, both diarrhea and constipation also. So these are three basic types we are getting in case of IBS. So diagnostic test. As first slide I told, we are not getting any functional, any structural and biochemical abnormalities in IBS. But why we have to do test? To satisfy self and patient also. Nowadays patient used to come to OPDs, first they will say, I have this problem, I want to do some test. So we have to do test for excluding the other pathologies. If you are getting nothing, so we can confirm that this may be cases of IBS. For that purpose, we have to evaluate. For evaluation purpose, we have to do the test. What test we can suggest? Complete history taking and physical, along with what the drug history also we have to take. Barium enema we can do, ultrasound, stool examination, upper GI or endoscopy, along with colonoscopy or sigmoidoscopy. We can do stool examination also we can do. So these are basic tests we can suggest. Next, if finding exists with the weight loss, if we are getting weight loss of the patient or hematocysia, that means patient is passing fresh blood with the stool, or iron deficiency anemia. So we have to go for another test like CBC, complete blood count, comprehensive metabolic profile. We have to do whether diabetes, patient is having diabetic, or sometimes thyroid, hyperthyroidism also patient is to pass more frequent stool. Along with any inflammatory markers, we have to see, including ESR or C-reactive protein, along with, as I told, thyroid profile in case of hyperthyroidism, patient also passing frequent stool. If diarrhea is predominant, so stool analysis we must do. Travel and social history may take for the stool test. This is GRDSs or sometimes any kind of worm infestation or creaming. So can also cause same kind of symptoms. We have to evaluate. So of course, in the IBS, we used to get the history of long-term history. Within one day, we cannot diagnose IBS. It will at least 3 to 6 months chronic cases. So differential diagnosis, how can do? That is chronic dysentery, we can differential diagnosis, malabsorption syndrome, indigestion, inflammatory bowel disease, intestinal TB or cancer. We have to evaluate this also for starting treatment of IBS. So what modern science is doing? Modern science is also doing, as it is also already mentioned, modern science also saying that depression and anxiety one of the cause. So there is education and reassurance we have to give. Fiber in diet and exercise is important. If pain is there, only symptomatic treatment as per modern science, they are doing antispasmodic or psychotherapy or antidiarrheal, or they are giving antidepressive medicines like tricyclic antidepressant or selective serotonin reuptake inhibitors. That means antipsychiatric medicine or anxiety related medicine they used to prescribe, along with nowadays some consultant is prescribing antibiotic like rifaximin 400 milligram twice daily, along with probiotic. If diarrhea predominant, antibiotic along with probiotic. The gastroenterologist, that is modern doctors, are prescribing this medicine very frequently. But we are not getting any successful result. Patient used to say, after a while I am taking this medicine, ye dawai jab kha rahte hai tab bimar theek hai, ye dawai chhod dete phir ho jata hai. So there is relapsing symptoms. So finally patient used to pad up and used to come to Ayurveda clinics for better treatment. So now come to Ayurveda portion. As you know, this is all symptoms of IBS is maximum correlation we are getting with Grahani Roga. What is Grahani? Grahani, that is a passage of both pakko, that is digested or sometimes undigested, through the undigested apakko stool, food. Sometimes food is not digested properly, or sometimes half digested, is coming downwards
that is passing through stool, that is grahani. In this condition, the entire food materials usually remains in the state of vidagdha. That means one part digested, another part remain undigested. This is the basic pathology happens in the grahani. So what Charak told regarding grahani, apakkam dharayannam pakkam srijati pashvat. Normally the grahani retains the downward movement of the undigested food, and after the digestion it releases food through the sides of its lumen. Nirukti agni adhisthanam annasya grahanat grahani. That means grahani is the seat of agni, and it is so called since it holds or retain the food. Grahan, grahanat grahani, that means it holds or retain. After proper digestion, there is absorption and assimilation happens in the grahani. That's why it is called grahan. Grahan, grahanat grahani. So cardinal features of grahani roga, as per Charak Samhita, ati srishtam vibhandam va drabbam tat paridarshate. That means vibhandam means constipation, or drabbam, sometimes diarrhea and sometimes loose stool. And Susrut told pakkam va sarujam puti muhudrabbam muhurbandam muhudrabbam. That means sarujam, pain will be there, puti muhurbandam. That means sometimes maximum, sometimes constipation and sometimes liquid stool. So altered bowel habit, this is the basic criteria for diagnosis of grahani roga as well as IBS. The patient passes sometimes digested and sometimes undigested food with pain, foul smell, or sometimes hard and sometimes liquid stool. This is the cardinal features of IBS as well as grahani roga. So these are the causes mentioned in Ayurveda. This abhajanat, ati bhajanat, maximum diseases Ayurveda describe mitha ahar bihar. You will see the causes of maximum diseases, you will get mitha ahar bihar. Everything is started from our ahar, then bihar. So if you are not taking properly food, this type of symptoms, definitely people will suffer. So what are the causes told in Ayurveda? Abhajanat, ati bhajanat, ajrinat, vishamashanat. I think this all terminology you understand. So katu tikta kashaya amlo atimatra sevan, asaitma guru sito atiriksha sadrushta bhajanat, mitha yoga panchakarma, debility of disease, vega vidharan, ati maithuna, sleep immediately after food. After taking food, we shouldn't go for sleep. That's also can cause grahani, desh kal ritu vipartita. This can all can leads to grahani roga. So this is a simple saprapti. First, agni is involved, as grahani is the seat of agni. Then there will be agni dusti. It will leads to agni mandha. Agni mandha leads to ajrina, atishar, and finally all this grahani complex symptom will be seen. So this is the best simple saprapti of grahani raga. So now we come to the treatment. How we'll manage? So both you understand now modern science what saying and Ayurveda what is saying. So after proper evaluation of agni, amalakshan and other lakshans, we should diagnose the grahani disease status, and we should plan our treatment. So we have to see agni. So diseases of agni related. Agni is the main causative factor of this disease. So we have to assess the agni level, amalakshan and other lakshana, and accordingly we have to see the status of the grahani roga, and we have to plan our treatment. So what Ayurveda is saying for the treatment purpose, some condition in particular quite practically similar with IBS in their clinical pictures. These are atishar, pravahika and grahani along with pakvashayagata vati. If you see IBS and we compare, we can find out these are the similarities. So but here we treat IBS in the line of grahani roga and pakvashayagata vati. Okay, so vitiation of agni leads to agni mandha is the main reason of IBS, as I mentioned earlier also. This ultimately results amoformation and may leads to diarrhea or constipation and other symptoms as described earlier. So finally we have to start the treatment from the agni, as the agni mandha leads to all consequences in case of grahani. Sangrahi property drugs is very useful to treat the increased frequency of defecation and the consistency of the
stool. So sangrahas we have to choose along with tridashahara, dipan, pachan, amanashak, grahi, vibandahara, vedana sthapak and anulomak drugs. These are the principle of treatment we have to choose as these drugs specify the samprapti and so that we can get relief from the IBS and so grahani raga. So this kind of drugs we have to choose dipan pachan amanasha grahi vibandahara vedana sthapak and vatanulamak drugs. So these are the medicine frequently we are using for the treatment of IBS. Chitragadhipati, as this is a very good dipan pachak medicine. So mustakaristo or takraristo, kutasaristo or jirukadesho, among if patient is not diabetic, so we can use asavaristo. Along with hingastak churna or lavan bhaspak churna, we can choose. Chatrusham churna also found very effective. It contain ajwain, haritaki, shunti and sandhav. All are agnibardhak and dipan pachak. Kutas ghanapati, if you any doubt that patient may have amoebic dysentery, we can use kutas ghanapati, vilwadi churna or vilwadi leho. Grohani kapat ras and usually ras panchamrit parpati we can use later on if initially by our kasto osadhi not working, so we can start this ras osadhi later on. Grohani nigraha churna also very effective we are finding that contain jatifal, kutas, mustak and bilwa, same kind of ingredient you can see, and jatifaladibati sangrahani. So that is the final stage. If diarrhea is uncontrolled diarrhea, we are unable to control the diarrhea. If you give only one tablet of, that is 125 milligram of jatifaladibati, patient will develop constipation. Very effective medicine. By only one single tablet, it can control. So we are not frequently using. We have to see other condition also, patient's heart condition or any other allied condition. If everything is okay, we can start jatifaladibati in the later stage. If diarrhea is cannot control by any other medicine, is very effective. So by other medicine, chitragadi, mustaka, kutaja, these are very effective. By this medicine also, we can control very easily our these IBS cases. So some pharmaceutical medicines also we are prescribing. This androsin capsule, Direx, kutas bilwa panak, bel, bilwa jil, amikursin, isabgal, if some patient is having constipation, we are using isabgal ACE, prorasanti, is one and 3-4 years before is coming in the market. This is a probiotic, this is by Himalaya company. This as mentioned in Modern Science also, and in our IBS, sometimes we used to see patients intestinal flora destroyed, so we can use prorasanti or takraristo, or we can suggest to take the buttermilk, this cart. So that's also very effective. We can use as per the availability and feasibility and symptoms of the patient. So next, if 80% cases by medicine, it is sufficient to treat grahani. If by sometimes required panchakarma help also, we can suggest takra dhara. So takra, as I mentioned, this is a one kind of, you know, is atishar, one kind of bhayaja atishar. That means some stress is strongly related with IBS. So takradhara if you are giving, so takradhara how to give? We have to give sirodhara with takra plus amla churna. So this is also found effective. Navi vasti, this external vasti, we can give dasamul taila. How it works? So this external therapies, this procedure control the aggravated vata. That I told this, it may, this apan vata is more altered functions, sometimes constipation and diarrhea. So apan vata drushti is there, so we can control aggravated vata, so decrease the stress, anxiety and intestinal motility. So how this external vastis and panchakarma help in IBS. So next come to diet. By only medicine, Ayurveda ahar given prime importance to treatment of all the diseases. Without ahar, we cannot treat any disease in Ayurvedic principle. So diet is very important. So what diet we can suggest? Removing wheat, milk or dairy products, meats, eggs, coffee, biscuits, yeast or citrus fruit from the diet. So we have to avoid this thing. Along with, we have to avoid oily, spicy and fast food. And next is very important, uncooked or raw food or salad should be avoided. As because patient's Agni is already down, Agni is not good, again there will be digestive problem. So we should avoid
अनकुक्ड और रॉ फूड अलोंग विद सलाद इन केस ऑफ IBS सिम्टम्स और एनी काइंड ऑफ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम. सो कर्ड इज वेरी हेल्पफुल एज आई टोल्ड इज वर्किंग एज ए प्रोबायोटिक. सो अनदर होम रेमेडीज ऑल्सो वी कैन सजेस्ट मंडुक पर्णी मसंदरी और मत्स्यगंधा इज अवेलेबल इन नॉर्थ ईस्ट. पीपल आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग. वी हैव सीन इन अवर चाइल्डहुड ऑल्सो सच काइंड ऑफ any dysentery or diarrhea, this kind of medicines are home remedy people are frequently using. So this I think no manduk parni is very effective in case of grahani roga, along with it is a medhya rasan also working, but now we are learning that it have other action also, cognitive function disorders also it's working good. But in form of childhood also we know this is very good for intestinal this type of problem including grahani or dysentery. Manduk parni panchanga juice sarash we can use, along with this one is a matsagandha is available in northeast and other part also I think available. This is also found very effective grahani roga for the treatment of grahani roga as a home remedy we can suggest along with the other medicines. So this is also very frequently people in the northeast are taking a raw banana, green banana. We can this a boil also very effective. Boil also we can take along with we can make vegetables also. So this also found very effective in the as a home remedy to control the IBS along with dysentery or probahika like symptoms or including atishar also. So along with diet we have to, as I mentioned, stress is one of the factors. So we have to do some exercise or yoga pranayam. Exercise may help to maintain the GI functions and reduce stress, which can help help in relieving the IBS symptoms. The practice of yoga has also demonstrated demonstrated reduction of IBS symptoms. It's already many research study done. Yoga and pranayama is very effective, found effective in the control of IBS symptoms. Those having high stress and anxiety, of course, this is a basic treatment along with the oral medicines. Yoga pranayama has been identified as an holistic regimen that increase sympathetic tone, which is decrease in IBS-D patient, means IBS diarrhea patient. So it will increase the sympathetic tone. So this is all about today's lecture. This picture you can see, this is the natural beauty of Meghalaya. If you get time and opportunity, please visit Meghalaya. This is 500 years old Durga temple, though people used to know this is in different place and different religious communities, other also there. Natural beauty also highly abundant. If you get the opportunity, please visit Meghalaya. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही नाइस प्रेजेंटेशन आपने कुछ ड्रग्स के साथ भी, और वो मेद्य द्रव्य के तो फोटो देख के ही बहुत सुंदर लग रहा था कि सच में बिल्कुल फ्रेश कहीं से आपने सीधा ही उस पिक्चर को लिया हुआ है. तो बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन, और विश्वारत परिषद के इस प्लेटफॉर्म पर आके आपने अपने ज्ञान का वितरण किया, इसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा आभारी है. और मैं स्टूडेंट्स को कहूंगी कि कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जिसको मैं इंक्लूड कर लूंगी. और अगर आप अनम्यूट करके स्वयं खुद ही पूछना चाहे तो भी पूछ सकते हैं. सो दिस मेडिसिन प्रैक्टिकली वी आर यूजिंग. Theoretical is different, but what I am practically using last here in 10 years in Shillong, very effective. We have now all patient cured. Many patient data is there, though I have not shown here. Patient is highly satisfied. जी डॉक्टर, कोई एक केस भी डॉक्टर साहब अगर बता सके तो, क्योंकि हमारे पास अभी है ना घंटा सवा घंटा हम लेके चलते हैं, तो अगर कोई केस आप शेयर करना चाहे कि एक पेशेंट इतनी उम्र थी ऐसा करके कुछ. एक्चुअली केस प्रेजेंटेशन बनाया नहीं था, एक्चुअली डाटा उधर था. ऐसे कभी बता दीजिए. हाँ जी, थोड़ा सा समय है. ऐसे हमारा ऐसे ना मैडम, हमारा कुछ आयुर्वेदा डॉक्टर भी इसमें शामिल है. हाँ, बहुत डॉक्टर्स को, आयुर्वेदा डॉक्टर्स को भी ट्रीटमेंट. अच्छा, उनका मैं पूछूं, ऐसे ऐसा कह रहे आप अभी इसमें ज्वाइन किए हुए उनका? इसमें ज्वाइन नहीं किया है, मतलब असम का डॉक्टर है जो हम असम. मेनी माय जूनियर समटाइम दे आर फॉर देयर सेल्फ एंड देयर फॉर रिलेटिव्स आल्सो दे आर आस्किंग. बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आल्सो मेनी पेशेंट आई हैव ट्रीटेड थ्रू आयुर्वेदा ओनली. आई हैव गिवन फुल एश्योरेंस 100% यू विल बी ओके. सो दे हैव ऑलरेडी टेक कंसल्टेशन फ्रॉम मेनी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, बट आफ्टर टेकिंग मेडिसिन इज ओके, एंड इमीडिएटली आफ्टर व्हेन मेडिसिन कोर्स इज ओवर अगेन प्रॉब्लम स्टार्ट्स. So finally, people used to go for depression and psychological upset. What will happen? So
जी डॉक्टर साहब, हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस। हाँ जी, इस ऑनलाइन लेक्चर में डॉक्टर शुभा जी, डॉक्टर भुवनेश जी, डॉक्टर वर्षा, डॉक्टर सीमा, है ना, आप अपने कोई आईबीएस के ऊपर या कोई और हमारा एक्सपीरियंस रहा हो किसी और भी रोग को लेकर, तो आप इस मंच पर शेयर करेंगे, तो हमारे पास अभी थोड़ा समय है, तो मैं चाहूंगी कि भाई घंटे से 1.5 घंटे का हम कहीं ना कहीं कोई भी अध्ययन करे, अध्यापन करे और अपने विचारों का शेयरिंग करे, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आयुर्वेद का स्कॉलर पूरे भारतवर्ष में नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाला बने, यानी कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा अपने ज्ञान विज्ञान में समुन्नत रहेगा, प्रगतिशील रहेगा, तो वो उसको कहीं भी नौकरी करने का मन ही नहीं करेगा, स्वयं का ही चिकित्सा का अपना ही वो खोलते हैं और शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर सीमा, डॉक्टर सीमा पांडे जी, जी, कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर प्रणाम। कीजिए। हाँ जी 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 मैडम जी, हाँ जी, सबसे पहले तो डॉक्टर विष्णु जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, जो मैं सुनना चाहती थी उससे भी काफी ऊंचा और काफी बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। उसमें मेरा इतना एक्सपीरियंस इसमें नहीं है, क्योंकि ज्यादातर महिला चिकित्सक होने की वजह से मेरे पास गायनी के केसेस ज्यादा रहते हैं। फिर भी जनरल प्रैक्टिस मैंने जब करी थी तो उस समय मैं ज्यादातर कुटज घनवट्टी इत्यादि पे और चित्रकादी भट्टी इत्यादि से मैं चिकित्सा करती थी, लेकिन अभी इधर जैसे एक्सपीरियंस हुआ थोड़ा, तो ऐसा महसूस हुआ कि जो भी बीमारी हमारे शरीर में एंट्री लेती है वो ज्यादातर अजीर्ण के रूप में, अग्निमान के रूप में सबसे पहले अपने आप को दिखाती है। तो इस मंच से मैं कोई केस शेयर ना करके इतना ही शेयर करना चाहूंगी जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको भी, कि यदि आपको पेशेंट में अग्निमानद के लक्षण दिखते हैं, अजीर्ण के लक्षण दिखते हैं, तो यदि हम सर ने जो बताया वैसा डाइट चार्ट फॉलो करवा सकें, वेदों की प्रवृत्ति अच्छे से करवा सकें, ये अधारणीय वेगों का धारण ना हो और धारणीय वेगों का अधारण ना हो, तो काफी हद तक हम पेशेंट को गृहिणी तक की स्थिति में जाने से रोक सकते हैं। और इसमें काफी सफलता मिली है कि पेशेंट जो कोई भी समस्या लेके आपके पास आते हैं, यदि आप उनका अजीर्ण और उदावर्त, अजीर्ण यानी कि अग्निमान जैसे जो भोजन का पाक नहीं हो रहा है, सारकित विभाजन नहीं हो रहा है, या उदावर्त यानी कि जो वेगों का धारण अधारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, अगर इनको ही आंकलन करके किसी तरीके से हम उसकी चिकित्सा कर सकें और दोनों की ही चिकित्सा लगभग एक जैसी, दीपन पाचन अनुलोमन, तो इससे हम प्राइमरी लेवल पे हर समस्या का एक समाधान पेशेंट को दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका व्याख्यान सुन के मुझे बहुत आनंद आया। जी बेटा, डॉक्टर सीमा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आपने ग्रहणी का अग्नि का ध्यान रखने के लिए जो दीपन पाचन अनुलोमन की बात करी, तो मैं एक बात यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि कोई भी पेशेंट, जैसे डॉक्टर सीमा ने कहा कि भाई जैसे हम गायनी से रिलेटेड है, तो आपको पता है कई बार कोई पेशेंट सिर्फ ल्यूकोरिया के लिए, श्वेत प्रदर जैसी मामूली सी चीज है ना, ऐसे यूं हम समझते ही नहीं उसको कुछ भी, मगर उसके लिए भी 8-10 साल कहीं ना कहीं परेशान होके घूमती है ना। और ऐसा ही एक केस मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक पेशेंट थी जिसकी 2009 में किसी कारण से हिस्टेरेक्टोमी हो गई और उसका ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, वेजाइनाइटिस, इचिंग, बर्निंग एंड फाउल स्मेल सहित ये होता रहा लगभग हिस्टेरेक्टोमी के 1-1.5 साल में शुरू हो गया, और हमारे पास में वो आई थी 2021 में, पहला लॉकडाउन जब ओपन हुआ था उन्हीं दिनों में आई थी। और आप देखिए कि उसके लिए हर एक 8-10 साल उसने जहां भी मॉडर्न में ट्रीटमेंट ली, हर एक जगह पे उसका इवन वॉल्ट बायोप्सी तक हो गई है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अब जब यूट्रस ही नहीं रहा भाई, ब्लड किधर से डिस्चार्ज आ रहा है, तो वॉल्ट बायोप्सी भी ओके थी, यानी और कोई बड़ी बात नहीं थी कैंसरस ग्रोथ वगैरह, मगर उसका
मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ महीना दो महीना ठीक रहना, फिर से उसी चीज को फेस करती थी, उसी कंप्लेन को वो उसको देखना पड़ता था कि ये फिर से हो गया। तो हमने उसमें उसकी गृहिणी की ही चिकित्सा की है ना, क्योंकि मेरी जो को गाइड मैडम थी मीराबेन पंड्या, वो काय चिकित्सा से पीजी थी और वो मैडम का हमेशा ओपीडी में रुझान रहता था। वो सीपी शुक्ल सर की शिष्या रही, तो उनका हमेशा ये रुझान रहता था कि जैसे ही पेशेंट आए तो अपने जामनगर में आम पाचन वटी यानी दीपन पाचन द्रव्यों की एक गोली के रूप में, अनुभूत योग के रूप में जामनगर में उपलब्ध रहती है, और एक दशमूल क्वाथ। मगर दशमूल क्वाथ सभी में नहीं देते थे, कुछ देख के देना है, बाकी आम पाचन वटी सभी को दे के और भोजन अग्नि के अनुसार करा के 3 दिन बाद फिर बुलाती थी मैडम। और हमने देखा कि भाई जो उसने 15 कंप्लेंट बताई थी ना, उसमें से 3 या 5 ही बचती थी, बाकी सारी उसकी गम गच्च टू गो सारी खत्म हो जाती थी 3 ही दिन में। और या उसकी सीवियरिटी बहुत कम हो जाती थी, अगर कई बार जैसे भाई जीर्ण रोग है तो उसकी सीवियरिटी कम हो जाती थी। तो इस तरीके से मैडम ने हमें ये चीज दिखाई सिखाई और वो हमारी को गाइड भी रही, तो हमने काफी 3 साल तक उनके साथ ओपीडी भी की। तो यहाँ उस पेशेंट में हमने सारी अग्निमान्द्य की चिकित्सा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ जुड़े हुए हैं वो, और मैं शिलोंग में भी एक लेक्चर लिया था उसके अनुसार आप सबको पता ही है कि हम निदान परिवर्जन करते हैं सबसे पहले, कि सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या क्या रहती है, उसमें जो जो भी आपको अग्नि दूषक, अग्नि के लिए गुरुता लिए हुए या अग्नि मान्द्यकर जो भाव है, चाहे वो आहार जन्य है चाहे वो विहार जन्य है, मानसिक भाव है, उसको हम दूर कर देते हैं। यानी संक्षिप्त क्रिया योग निदान से परिवर्जनम, सबसे पहले थोड़ी मेहनत तो लगती है ज्यादा, मगर बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। तो सबसे पहले हम उसको किया उस पेशेंट का, और उसके बाद हमने उसको एक योग बस्ती पे डाल दिया। योग बस्ती में वही कि हमने रस वस रोतो दुष्टि सोच के, जयपुर की ओपीडी में मिलता है ज्वर हर कषाय, यानी ज्वर हर जितनी भी औषधियां हैं मैं उसको रक्त प्रदोषज विकार का इंडिकेशन समझती हूँ, कि रक्त रसवह स्रोत दुष्टि का सोच के उसको रसवह स्रोत को शुद्ध करने के लिए दे दिया, यानी ज्वर हर कषाय की आस्थापन और दशमूल तेल की अनुवासन, ऐसे करके योग बस्ती है ना, योग बस्ती हम सभी जानते ही है, तो बस योग बस्ती दे दी। और मैंने उसको 3 योग बस्ती का कहा था 3 महीने तक, है ना, कि 1 महीना देंगे और फिर दूसरा महीना फिर तीसरा महीना। तो जैसे ही दूसरे महीने की योग बस्ती हुई, और अभी शायद 4 हुई थी, कुछ 4 बाकी थी, और फिर से सेकंड लॉकडाउन लग गया, और वो काफी परेशान हो गई, क्योंकि उसकी पहली योग बस्ती के बाद ही ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, बर्निंग, ईचिंग, ये सब कुछ बंद हो गया था, कंप्लीटली रिलीफ। और योग बस्ती के साथ हमने सिंपल जात्यादि तेल पीचू दिया था और कुछ भी नहीं। और मैं चाहूंगी कि जात्यादि तेल पीचू हमारे चिकित्सकों को अपने आप भी बनाना चाहिए। अगर तेल की मूर्छना करके जो जात्यादि तेल बनाया जाता है उसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फार्मेसीज में जितनी भी औषधियां है, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट से ये सुना कि भाई वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना हमारा NIA की फार्मेसी का रहता है। तो मुझे लगता है कि फर्क मूर्छना का रहता होगा, NIA की औषध साला बहुत अच्छी औषधियां बनाती है, मूर्छना सही तेल का पाक होता है। तो सिंपल जात्यादि तेल पीचू और योग बस्ती, और सेकंड योग बस्ती हमें लॉकडाउन के कारण जबरदस्ती, जैसे हम सभी को पता ही है कि ज्यादा ना फैल जाए, तो हमने सेकंड लॉकडाउन बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। तो हमें उससे पेशेंट को हाथ ही जोड़ने पड़े लिटरली, कि भाई माफ कर दो, अभी सरकार का ऐसा नियम आ गया है, हम बस्ती नहीं लगा सकते, क्योंकि उसको ये डर था कि 3 महीने का कोर्स कहाँ है, खुद ही आप जाने के लिए कह रहे हो, मैं तो फिर फंस जाऊंगी। मैंने कहा नहीं भाई, दूसरी बार नहीं होगा। और ज्वरर कषाय फिर ओरली दे दिया था, और आज उस बात को जैसे 1.5-2 साल हो गया, और अब तो जात्यादि तेल पीछू भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं करते, मगर सीज एब्सोल्युटली ऑल राइट, है ना, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं है अभी किसी भी तरीके की। नो डाउट जो भी उसका अग्निमान्द्य कर आहार विहार थे वो तो हमने अभी भी उससे रुकवा के ही रखे हैं, कि नहीं भाई वो चीज जो नहीं करनी है वो तो नहीं ही करनी है। तो मैं सोचती हूँ कि सच में गृहिणी दोष चिकित्सा अध्याय, दोष शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसमें दुनिया भर के सारे ही रोगों का हम सभी ने वो चैप्टर पढ़ा हुआ ही है, नहीं पढ़ा है कुछ बच्चे हैं जो, मैं चाहूंगी कि चरक संहिता चिकित्सा स्थान में गृहिणी
दोषाध्याय चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए और उसमें आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई रोग की चिकित्सा पता न चले आपको, है ना। हर एक चीज चाहे नहीं सर्व विकाराणाम नामतोऽस्ति ध्रुवास्थिति, है ना, ऐसा भी कोई रोग है जिसका नाम ही नहीं पता है, वो भी हम करने के लिए लाभान्वित पेशेंट को कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट में अपना वो एक्सपीरियंस बांटने के लिए डॉक्टर भुवनेश जी, अच्छा भुवनेश जी शायद लेफ्ट हो गए, डॉक्टर शुभा जी और डॉक्टर वर्षा सिंह मैं आमंत्रित करूंगी कि कुछ अपने एक्सपीरियंस है तो आप हमारे इस मंच पर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। डॉक्टर वर्षा और डॉक्टर शुभा जी, इसके सिवाय कुछ स्टूडेंट्स भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक के पास सीखने के लिए जाते हैं। मैंने जो आउट ऑफ स्टेट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसका देखा कि वो बहुत अच्छे अच्छे वैद्यों के पास सीखने के लिए जाते हैं, तो वो भी अपना उन गुरु जी के नाम से या अपना अपना भी कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर वर्षा सिंह, डॉक्टर शुभा, शायद है नहीं, चलो नमस्कार मैम। अच्छा हाँ हाँ वर्षा, हाँ जी वेलकम बेटा, कोई एक्सपीरियंस आप हमसे चाहे आईबीएस का चाहे और कोई शेयर करना चाहे, तो हमारे पास थोड़ा समय था तो मैं सोचा कि भाई घंटा सवा घंटा तो एक बार अपनी अध्ययन अध्यापन चले, तो ऐसा मैं सोच रही थी। जी नहीं मैम, ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है। नहीं अपना गाइड हाँ, कुछ कुछ पेशेंट हैं जिनको कि बिल्व चूर्ण के साथ मैंने थोड़ा सा इसका जो अनार के छिलके का ऊपर का जो होता है उसका वाटर दिया था, तो कुछ पेशेंट्स को उससे उनको बेनिफिट लगा था। जी अनार नहीं, अनार के छिलके का। जी जी समझ जी मैम, तो ये जैसे कुटज है और इन सब के साथ अलावा जो भी चित्रकादी या लहसुन आदि वटी के अतिरिक्त ये एक था मेरा कि हाँ उसको हमने यूज किया था अनार के छिलके का ऊपर वाला वॉश करके, तो जी पेशेंट को उससे रिलीफ था जी 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 कंपेरेटिवली कि अगर हम कुछ औषधि जैसे बहुत ज्यादा नहीं अवेलेबल है या पेशेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहा है कि हम इतना परचेज कर सके या हमारे पास बहुत ज्यादा औषधि नहीं है, तो जी हमने ये ऐसे यूज किया था। जी जी मैम, हाँ जी बहुत बढ़िया बेटा। बस इसमें जो आप वाली बात है ना, उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि भी जैसे जहां भी हम कसाई रस प्रदान सीतवृय द्रव्य जो अवशोषण गुण को रखते हैं, है ना, ऐसा जब करते हैं तो इसके साथ साथ में जैसे जी प्लॉइटेड फिलिंग का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। सभी पेशेंट में नहीं आती, जिसका बहुत ज्यादा अग्निमान्द्य होता है वहां थोड़ी जी जी फ्लोटिंग फीलिंग्स आ जाती है, तो वहां हमें कहीं ना कहीं अग्नि दीपक का काम करना है ना, कि जहां स्तंभन के साथ या स्तंभन न यूज करके ग्राही कर ले, है ना, हम दोनों की परिभाषा से परिचित है कि जो ग्राही है वो कहीं ना कहीं अग्नि के गुण को अपने साथ रखता है और वो अग्नि कहीं ना कहीं अग्नि मांद्य से आम दोष से और वो उस आम के आंखों में ठहराव से बचा देती है ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे एक डॉक्टर मंजू शर्मा ने पूछ रखा है कि जहां ज्वरर कषाय नहीं है तो क्या करेंगे, है ना, तो एक तो मैं अपना नंबर लिख रही हूँ, आप उसपे मैं आपको, है ना, आप अपना एक मैसेज मुझे ऐसे नमस्ते का डाल देना तो मैं ज्वरर कषाय आपको भिजवाती हूँ, है ना, 9251758887। आप और कोई भी स्टूडेंट इस व्याख्यान माला की इंफॉर्मेशन लगातार चाहता है वो भी इस नंबर पे एक अपना नाम और नमस्ते दीजिए, मैं आपको उसमें ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ज्वरहर कषाय में एक तो त्रिफला है ना, हरितकी बिभीतकी आमलकी रक्त चंदन किरात तिक्त तुलसी हरिद्रा नागरमोथा और एक कोई सा रह गया, है ना, तो मैं उसमें क्लिक करती हूँ और वो नहीं मिले तो आप सुदर्शन चूर्ण या लघु सुदर्शन चूर्ण या जो भी ज्वर हर है ना, कि चरक संहिता चिकित्सा स्थान में ज्वर से ही तो सारी चिकित्सा की शुरुआत है ना, तो उसमें ज्वर हर कोई भी योग है
है ना, वो आप वहां ले सकते हैं। वो कहीं ना कहीं रस धातु को, क्योंकि संप्राप्ति हम सभी ने पढ़ी रखी है कि वहां जो जठराग्नि जो है कोष्ठ में स्थित है वो शाखाओं में स्थित हो जाती है। तो उस विषय को ध्यान में रख के आप ज्वर हर कोई भी योग ले लीजिए, है ना, वो वहां काम करेगा। क्योंकि है ना, उसका अंदाजा कैसे करे, आपको मैंने रस का बताया कि रस प्रदोषज विकार, चाहे चरक का ले लीजिए सूत्र स्थान में या सुश्रुत का ले लीजिए, रस प्रदोषज विकार में चरक सुश्रुत दोनों ने ज्वर शब्द लिख रखा है ना, तो इसलिए वो रस प्रदोषज है ना। जैसे आप देखिए कि आजकल टीवी में एडवर्टाइज आती है कि बाल जड़ रहे हैं और बाल सफेद हो रहे हैं, तो खालित्य पालित्य तो रस प्रदोषज है ना। तो सिर्फ शैंपू डालने से या वो करने से ऐसे थोड़ी ठीक हो जाता है। तो जहां रस धातु का उचित निर्माण है ना, आयुर्वेद तो यही कहता है। तो मैंने देखा है कि आयुर्वेद की फिजियोलॉजी अगर हम अच्छी तरह से पढ़ रखी है तो हम उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन के समय उसको बहुत अच्छा पेशेंट को लाभान्वित कर सकते हैं और अपने चिकित्सा में हमें सफलता मिल सकती है ना। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मेरा सभी से निवेदन है कि कोई ना कोई एक छोटा सा विषय है ना, चाहे षडविध क्रियाकाल हो, चाहे रस प्रदोषज विकार में जो सब प्रदोषज विकार वाला हो, या कुछ भी एक विषय थोड़ा सा, चाहे वो चार लाइन का श्लोक क्यों ना हो, एक चीज पढ़नी चाहिए चिकित्सा करते करते भी, है ना। तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं, क्योंकि जितना आयुर्वेद अगाध विशाल समुद्र की तरफ है ना तरह है, तो हम चिकित्सा करते समय उन सारी बातों को कई बार मुझे ऐसा लगता है मैं खुद कोरिलेट नहीं कर पाती हूँ, है ना। तो मुझे लगता है मैं कई बार जैसे डॉक्टर बलदेव सर से बात भी करती थी, मैंने कहा सर हम टीचर है इसलिए अच्छे चिकित्सक है, या अकेली चिकित्सा भी करते तो अच्छे इतने चिकित्सक बन जाते, है ना। तो सर बताते थे कि नहीं हम है ना टीचिंग में है इसलिए हमारा ज्यादा ये पार्ट अच्छा है, शायद हम अगर प्राइवेट प्रैक्टिशनर ही होते तो, क्योंकि स्टूडेंट पूछते हैं, हम बताते हैं, उनको पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, तो उन्हीं चीजों में उन्हीं सिद्धांतों में अवगाहन हो जाता है ना, उसको हम फिर से एक बार देखते हैं। और मुझे लगता है कि हर बार उसी सिद्धांत को शिद्दत से पढ़ने के बाद और है ना कमल की तरह खिल जाता है वो, और समझ में आता है उसमें। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे प्रैक्टिशनर भी जुड़ते हैं इसमें, जो सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह भी NIA में करके गए, या जो आज मेघालय के भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो सबसे मेरी गुजारिश है कि आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते समय भी पढ़ते रहिएगा, तो ये कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद को एक अच्छे स्थान पर लेने के लेके जाना चाहते हैं। और जैसे विष्णु जी ने कहा, जो मैं भी बहुत बार कहती रहती हूँ, कि आयुर्वेद की राष्ट्र चिकित्सा पद्धति भारत की बननी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बढ़िया पैथी है ना। और इसके लिए मैं एक छोटा सा आजादी का अमृत महोत्सव का एक उदाहरण आप सबके सामने रखते हुए आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। ये आजादी के अमृत महोत्सव में आज हम 75वां साल मना रहे हैं, तो इसमें अनेक क्रांतिकारियों की, जिन्होंने अपने नाम की और जीवन की परवाह किए बिना इस देश की आजादी के लिए और देश की गुलामी से छुड़वाने के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया, उन सभी को हम सादर वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनकी आहुति, जीवन की आहुति से हम धन्य है कि आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम इस बात का हमें शुक्र मनाना चाहिए और इसका उत्साह भी मनाना चाहिए कि आज हमारे पास हमारा जीवन को स्वस्थ रखना और आयुर्वेद को ढंग से पढ़ना, इसके सिवाय कोई काम नहीं बचा है, है ना। यानी सीधा सा ये कर सकते हैं कि देश के लिए जो मरने वाला काम था वो राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद सारे करके चले गए, ऐसे बहुत सारे अनामी क्रांतिकारी करके चले गए। तो आज देश के लिए जीने की जरूरत है, देश के लिए और आयुर्वेद के लिए पढ़ने की और जीने की जरूरत है। तो ऐसा हम थोड़ा सा ही प्रयत्न करेंगे तो भी बहुत अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं और कहीं ना कहीं हम चिकित्सा पद्धति को ऊपर उठा सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम सभी मिलके आयुर्वेद में अपने अपने हिस्से की ईमानदारी, अपने अपने हिस्से की सत्य निष्ठा अगर देते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे एक गागर होती है, सभी उसमें दो बूंद पानी डालेंगे तो गागर भर जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम अपने हिस्से का अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। तो आज
इरिटेबल बोवल सिंड्रोम के ऊपर डॉक्टर विष्णु जी ने बहुत अच्छा हमसे एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैं आगे ऊपर भी चाहूंगी कि डॉक्टर साहब हमेशा आप हमारे निवेदन पर यहाँ पधारे और अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करें, और कहीं ना कहीं सारे बच्चे इसका चिकित्सा में प्रयोग करेंगे और हम भारत वर्ष को बिल्कुल स्वस्थ भारत और समर्थ भारत बना सके। तो आपका विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से फिर से धन्यवाद करती हूँ, और अभी मैं अंत में शांति मंत्र बोलूंगी और आप सभी म्यूट रखकर ही उसके दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नमो नमः, सभी का हृदय से धन्यवाद। सभी धन्यवाद मैडम। हाँ जी, धन्यवाद सबको। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। थैंक यू ऑल। सभी बच्चों का, स्कॉलर्स का, स्टूडेंट्स का हृदय से धन्यवाद। इसी तरीके से उत्साह से आयुर्वेद पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, चिकित्सा करते रहिए, और कहीं ना कहीं अपने एरिया में, जहां भी अड़ोस पड़ोस में या जहां कहीं भी संपर्क में आते हैं, तो आयुर्वेद को एक बार उसका हिस्सा, उन बातचीत का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, जिससे हम उन तक आयुर्वेद को पहुंचा सके। नमो नमः, धन्यवाद। प्रणाम मैडम।